हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू बच्चों। सो दिस इज टाइम स्पीड डिस्टेंस और हम कर रहे हैं, दिस इज एपिसोड 6। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसका नाम है रिलेटिव स्पीड। एक और बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट रिलेटिव स्पीड, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और बिल्कुल सवाल पेपर में जो जो भी बनते हैं इस पे आए हैं या आ सकते हैं सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आओ चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है पहले वो समझ लो, थोड़ा सा रिलेटिव स्पीड खुद ही क्या है बेटा। जैसे मान लो दो लोग हैं, एक है यू जिसकी स्पीड है मान लो 100 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है 100 किलोमीटर पर आवर, और एक है वी जिसकी स्पीड है मान लो सिर्फ 30 किलोमीटर पर आवर। दो लोग हैं, एक की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की है 30 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ मुझे एक घंटे के बाद जो यू है, एक घंटे के बाद जो यू है कैन आई से वो 100 किलोमीटर चलेगा जो यू है अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो, और इसी डायरेक्शन में अगर वी जा रहा है तो वो एक घंटे में सिर्फ और सिर्फ 30 किलोमीटर ही चल पाएगा। बोलो सही बात है। जितने टाइम में ए 100 किलोमीटर चल गया एक घंटे में, यू ने 100 चला तो वी ने केवल 30 चला, तो जो वी था वो बताओ एक घंटे में कितना पीछे है अभी। मतलब कैन आई से दैट जो यू है वो 70 किलोमीटर ज्यादा चला है। सिंपल सी बात है, अगर सेम डायरेक्शन में बात करूं तो 70 किलोमीटर ज्यादा चला है किससे, यू से। तो क्या मैं बोल सकता हूं जो यू है वो 70 किलोमीटर पर आवर ज्यादा चलता है वी से सेम डायरेक्शन में। प्यारे बच्चों 70 किलोमीटर पर आवर दोनों में से किसी की भी स्पीड नहीं है, ना यू की है ना वी की है, बट ये रिलेटिव स्पीड है। जो यू है वो विद रिस्पेक्ट टू वी कैन वी से दैट 70 किलोमीटर पर आवर ज्यादा चलता है। यस सर। तो बस याद रखो, देखो अगर सेम डायरेक्शन है, पहला केस बना लो ये, अगर सेम डायरेक्शन है, सेम यदि दो लोग सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, यदि दो लोग सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड निकालने का तरीका होता है, रिलेटिव स्पीड होती है हमारी फॉर्मूला है यू माइनस वी। समझ गए ना, रिलेटिव स्पीड निकालनी है तो बस डिफरेंस निकाल दो यू माइनस वी। और अब ये भी बता दो फिर, अगर दो लोग अपोजिट डायरेक्शन में है, यदि दो लोग जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में तो उस केस में जो रिलेटिव स्पीड आएगी, उस केस में जो रिलेटिव स्पीड बनेगी ध्यान रखना वो हमेशा होगी यू प्लस वी के इक्वल, यू प्लस वी के इक्वल, है ना, प्लस हो जाएगा। सेम डायरेक्शन में माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस रिलेटिव स्पीड में। जैसे मैं आपको केस दिखाता हूं, मान लो ये डी किलोमीटर का डिस्टेंस है बच्चों, यहां पे पुलिस है यू की स्पीड से भाग रही है, चेस कर रही है थीफ को, थीफ यहां पे है, थीफ चल रहा है वी की स्पीड से, दोनों के बीच में डी किलोमीटर का डिस्टेंस है, पुलिस चल रही है यू की स्पीड से, थीफ आगे जा रहा है वी की स्पीड से। आपको बताना है कितने टाइम में जो पुलिस है वो थीफ को कैच कर लेगी, कितने टाइम में जो पुलिस है वो थीफ को कैच कर लेगी। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड सर। तो डिस्टेंस क्या है बेटा, डी, और स्पीड क्या आएगी अगर दो लोग सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो, डिस्टेंस डी है और सेम डायरेक्शन में अगर दो लोग जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड, स्पीड क्या आएगी यू माइनस वी। भाई यही तो किया था, अगर सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड जो होती है वो यू माइनस वी होती है, इतने टाइम में पुलिस जो है थीफ को कैच कर लेगी। एक बार दोबारा इस वाले केस में बताओ, ये पुलिस है जो कि यू की स्पीड से चल रही है, यहाँ पे थीफ है जो कि सामने से आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन से, मतलब एकदम आमने सामने से आ रहे हैं, थीफ को पता ही नहीं है कि सामने से पुलिस आ रही है। तो अब बताओ कितने टाइम में पुलिस जो है वो थीफ को कैच कर लेगी, कितने टाइम में। तो आप कहेंगे सर अब जो टाइम लगेगा पुलिस जो है थीफ को कैच कर लेगी उसमें जो टाइम लगेगा, आप कहोगे डी अपॉन यू प्लस वी, है ना, यू प्लस वी क्यों, बिकॉज बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, यू और वी अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड यू प्लस वी होगी, सेम डायरेक्शन में थे तो यू माइनस वी होगी। बोलो इतना क्लियर हुआ है सबको, ये हो गया रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड के केस में ध्यान रखना हमें, मैं क्वेश्चन दिखाता हूं आपको क्या क्या बनते हैं इस पे, तो देखते हैं इसमें मजेदार सवाल।
अच्छा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है मैं पहले ही बता दूं बच्चों, आज एक टाइप का वीडियो होगा रिलेटिव स्पीड्स पे, एक टाइप के क्वेश्चन। अगला जो होगा ना पूरा पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेन्स बताऊंगा, जिसमें रिलेटिव स्पीड ट्रेन्स के पर्टिकुलरली ट्रेन्स पे कॉन्सेप्ट पे कैसा लगता है इसमें भी बताऊंगा ट्रेन्स के क्वेश्चन, बट एक वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेन्स होगा जिसमें एक टाइप के सवाल होते हैं और जो पेपर में कहीं ना कहीं मिलते ही मिलते हैं। तो एक ये वाला टाइप जिसमें हमें क्वेश्चन आते हैं रिलेटिव स्पीड के, एक दूसरा टाइप भी होगा नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा, बहुत मजेदार वीडियो है और ये इसमें भी आप एक पर्टिकुलर टाइप के सवाल सारे सीख जाओगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले सवाल से, ये है वो क्वेश्चन, ये देखो बड़ा कॉमन सा सवाल है ये पेपर में, पढ़ लो क्या है क्वेश्चन, पढ़ लो। देखो क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं क्या है बच्चों, ए थीफ इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ओके, ए पुलिसमैन हु इज 5000 मीटर बिहाइंड द थीफ इज चेजिंग हिम एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ओके। पहले तो यहीं तक दिखा दो, आगे भी है कुछ वैसे सवाल में, एक बार ये दिखा दो। देखो मान लो थीफ है यहां पे, भाग रहा है किस स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। यहाँ पुलिस है जो उसको चेस करने पे लगी हुई है, अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे है और भाग रही है 20 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, इसके पीछे चेस कर रही है। अभी 5000 मीटर का डिस्टेंस है दोनों के बीच में, सिचुएशन अच्छे से दिखाया करो, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट बात सुनो, देर इज अ डॉग रनिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड विच स्टार्ट फ्रॉम द पुलिसमैन एंड कीप्स ऑन रनिंग टू एंड फ्रो बिटवीन द पुलिसमैन एंड थीफ टिल द लेटर गेट्स कॉट। समझ में आया आपको लाइन है भाई, पुलिस के पास है एक डॉग, यहाँ पे डॉग है, ठीक है, पुलिस भाग रही है 20 की स्पीड से, चोर भाग रहा है 10 की स्पीड से, अब डॉग भी भाग रहा है साथ में 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, लेकिन वो कैसे भाग रहा है मुझे बताओ, पुलिस और डॉग में से पहले थीफ को कौन चेस करेगा? आप कहोगे डॉग करेगा सर, तो डॉग बच्चा ऐसे चेस करेगा, उसको टच करेगा वापिस आएगा, टच करेगा वापिस आएगा, ऐसे टू एंड फोर, ठीक है, ऐसे मूव करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे, कब तक, जब तक पुलिस चोर को कैच ना कर ले, जब तक पुलिस चोर को कैच ना कर ले। आपको फाइंड क्या करना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय डॉग, डॉग ने कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, कब तक, जब तक पुलिस ने चोर को कैच नहीं कर लिया। हाँ मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, कहते रजनीकांत का डॉग है सर ये, बिल्कुल एकदम रजनीकांत का डॉग है ये, ठीक है। अच्छा, अब पहले तो सारी बातें छोड़ो, आप सारी बातें छोड़ो ना यार, आप ये बताओ कितने टाइम में जो पुलिस है वो बच्चों थीफ को कैच कर लेगी, कितने टाइम में पुलिस जो है वो थीफ को कैच कर लेगी, पहले तो ये बता दो, टाइम निकाल सकते हो ना? हाँ सर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इफ बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन तो स्पीड क्या होगी, 20 - 10 की, देखो यही कॉन्सेप्ट किया था हमने। तो कितने टाइम में पुलिस जो है थीफ को कैच कर लेगी, आप कहेंगे सर 5000 / 10, कैन वी से 500 सेकेंड्स, 500 सेकेंड्स में पुलिस जो है वो थीफ को कैच कर लेगी, 500 सेकेंड्स में पुलिस जो है वो थीफ को कैच कर लेगी, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सर, 500 सेकेंड लगेंगे और पुलिस थीफ को दबोच लेगी। अब आप एक बात बताओ भाई, वो जो डॉग भाग रहा है पागलों की तरह रजनीकांत का, है ना, टू एंड फोर, वो उतने ही तो टाइम भागेगा जितने टाइम में पुलिस थीफ को कैच करेगी, उतने ही तो टाइम भागेगा। अगर 500 सेकेंड पुलिस को लगे थीफ को कैच करने में, तो जो वो डॉग भागे जा रहा है भाई, वो भी तो 500 सेकेंड ही भागेगा। तो कहना ही से जो डॉग है वो भी 500 सेकेंड ही भागा होगा, लेकिन किस स्पीड से, वो 30 की स्पीड से भागा होगा। सर अपने को क्या निकालना है, हमें निकालना है सर डिस्टेंस, किसने, डॉग ने ट्रेवल किया, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितने है डॉग की 30, टाइम कितना भागा वो 500 सेकंड ही भागा। तो कैन आई से आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड कम्स आउट टू बी 15000 meters, और यही सवाल का सही आंसर है बच्चों, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय डॉग इज 15000 meters, कब तक, जब तक पुलिस ने चोर को कैच नहीं कर लिया। देखो मजा आया ये सवाल करके, आया तो है, बताते नहीं हो तुम, बोलो ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे चले, और दिखाता हूं आपको एक और टाइप।
ये समझ में आ गया सबको। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ये देख लिया होगा बच्चों, समझ गए। एक बार दोबारा बता दूं, चलो दोबारा बता देता हूँ अगर आप कहते हो तो। देखो 500 मीटर 5000 मीटर का डिस्टेंस था पुलिस और थीफ के बीच में, पुलिस थीफ को चेस कर रही है, कितना टाइम लगेगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सेम डायरेक्शन में तो यू माइनस वी, तो 500 सेकंड्स लगेंगे। जितने ये वही तो टाइम है जितने टाइम में पुलिस ने थीफ को कैच किया, और जितने टाइम में पुलिस ने थीफ को कैच किया बच्चों, वो डॉग भी तो टू एंड फोर उतने टाइम भागा होगा, तो डॉग भी उतने टाइम भागा होगा सर। स्पीड इज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड है उसकी 30 की और टाइम लगे 500 सेकंड, तो 500 से मल्टीप्लाई कर दिया 15,000 आ गया, ये आपका मीटर में है, इतने इतने मीटर वो भागा होगा, यही सवाल का आंसर है। चलो सेकेंड क्वेश्चन, ये लो ये वाला, ये लिख लो क्वेश्चन, ये भी बहुत कॉमन सवाल है, बहुत कॉमन, दो तीन क्वेश्चन दिखाता हूं मैं इस पे आपको, बहुत कॉमन से सवाल है बच्चों। देखो क्या कहता है इस क्वेश्चन में, ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम जयपुर एट, पढ़ लो पहले क्वेश्चन पढ़ लो, पढ़ लिया। देखो क्वेश्चन क्या है, ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम जयपुर एट 10 AM, जयपुर से चली है बच्चों 10 बजे, ट्रेन चली है जयपुर से 10 बजे, ठीक है जी, एंड रीच दिल्ली, दिल्ली पहुंचती है कितने बजे, अच्छा बताओ मेरे को दिल्ली कितने बजे पहुंचती है, वो 4 बजे पहुंचती है, 10 बजे चलती है, 4 बजे पहुंचती है, कितने घंटे की जर्नी होगी ये बता दो, 6 घंटे की जर्नी हो गई है ना, 6 घंटे की, 6 घंटे की, हाँ उसी दिन की बात होती है, कुछ ना लिखा हो तो उसी दिन की बात है, तो 10 बजे चली थी, 4 बजे पहुंची, 6 घंटे चली, तो हम कहेंगे ये जर्नी है 6 घंटे की, 6 घंटे लिख दो, सही है, 6 घंटे की जर्नी है इसकी पहले वाली ट्रेन की। अच्छा एक ट्रेन बच्चों दिल्ली से भी चली है, दिल्ली से कितने बजे चली है देखना जरा, दिल्ली से भी सर 10 बजे चली है, ठीक है, सुबह के 10 बजे दिल्ली से भी चली, लेकिन जयपुर वो 6 बजे पहुंचती है, तो इसकी कितने घंटे की जर्नी होगी, 10 से 6 8 घंटे की जर्नी हो गई, ठीक है सर 8 घंटे की जर्नी हो गई। अब आप क्या करो, देखो सवाल को आसान बनाने के लिए मैं बिल्कुल आसान बता देता हूँ, आप बच्चों जो डिस्टेंस मान लो ये कुछ भी, क्योंकि फाइंड द मीटिंग टाइम का मतलब है किस टाइम पे वो दोनों ट्रेन मीट करती है, कभी तो मीट करेंगी ना बीच में, तो उसको निकालने का सबसे आसान तरीका, पहले डिस्टेंस निकाल लो, डिस्टेंस कैसे, कुछ भी मान लो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, एलसीएम ले लिया करो, पहली वाली ट्रेन 6 घंटे चली, दूसरी 8 घंटे चली है, दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 24, तो 24 किलोमीटर का ही डिस्टेंस मान लो, वैसे कुछ भी मान सकते हो आप, चाहो तो डी मान लो, लेकिन फिर फ्रैक्शन में आ जाएंगी वैल्यू, बच्चों सबसे आसान है 24 मान लो, तो 24 मान लिया आपने, 24 किलोमीटर का डिस्टेंस मान लिया, देखो बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, और देखो सवाल खत्म हो गया, कैसे सर कैसे, मीटिंग टाइम पूछा है आपसे, आप ये बताओ 24 किलोमीटर का अगर डिस्टेंस है तो पहले वाले ट्रेन की स्पीड क्या होगी, 24 सर ये 6 घंटे में करता है, तो पहले वाले की स्पीड होगी 24/6, कहना ही से 4 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे वाले की स्पीड क्या होगी, आप कहोगे सर 24 किलोमीटर 8 घंटे में चलती है, ये तो दूसरे वाले की स्पीड ले लेते हैं हम 3 किलोमीटर पर आवर, बिल्कुल सही है, दोनों की स्पीड आपको पता लग गई, डिस्टेंस आपको पता है 24 का है, तो आप क्या कहोगे, टाइम टाइम निकालना है, दोनों सेम टाइम पे चली है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 24 का, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है बच्चों, तो स्पीड होगी 4+3, तो कहना ही से 24/7, इतने घंटे लगेंगे दोनों ट्रेन को मीट करने में, और यही सवाल का आंसर है, मतलब ये तो हो गया मीटिंग टाइम, लेकिन आप अगर टाइम पूछो किस टाइम मीट करेंगे तो वो भी निकाल सकते हो, कैसे सर, वो आप क्या कहोगे 7 × 3 = 21, 3 आएगा 3/7, अब 3 घंटे तो पूरे हो गए, 3/7 को × 60 करेंगे हम, ये × 60 करोगे यदि आप, तो 7 × 7 = 49, 7 × 8 = 56, तो ये लगभग लगभग आपकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, थोड़ी अप्रोक्सीमेट ले लें, चलो पहले इसको ऐसे लिख लो, ये 7 था ना, मतलब अगर टाइम निकालना हो हमें अप्रोक्सीमेट कितने बजे मिलेंगी, तो 3 घंटे तो लगी गए, 180/7 है, तो 180/7 तो कितना हो जाएगा 180/7, तो इसको देखें तो 7 × 2 = 14, 4 × 0, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, तो लगभग लगभग 26 मिनट हो, मतलब 3 घंटे अप्रोक्सीमेटली 26 मिनट के आसपास, 25-26 मिनट के आसपास,
मतलब अगर दोनों ट्रेन 10 बजे चली हैं, तो कैनाई से 10 बजे चली हैं, 3 घंटे हो गए, तो 1 बज के लगभग लगभग 26 मिनट पे वो टाइम, वो समा, वो घड़ी क्या होगी जब तीनों दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिल रही होंगी, लगभग लगभग 1 बज के 26 मिनट बच्चों, इसके आसपास जो आंसर होगा वही इनका मीटिंग टाइम है, उतने बजे दोनों ट्रेन मिलेंगी। और यही सवाल का आंसर भी बनता है, दोबारा बता दूं और दिखाऊंगा मैं अभी सवाल, देखो आपको आसान बना रहा हूँ, बिल्कुल आसान। मैं कैसे करूंगा पेपर में वो बता रहा हूँ, मैं क्या करूंगा, ये 6 घंटे चलती है, 8 घंटे दोनों का एलसीएम लिया 24 बाय 6 इसकी स्पीड है 4 की, 24 बाय 8 इसकी स्पीड है 3 की, तो रिलेटिव स्पीड हो गई 7 की, तो 24/7 इतने टाइम बाद मिलेंगे, 3 घंटे पूरे पूरे हो गए, 3/7 देख लिया, इंटू 60 क्यों किया सर, मिनट में निकालने के लिए बेटा, आवर में था ना, मिनट में निकालने के लिए, तो 180/7 लगभग लगभग आपका कितना होता है, ये लगभग लगभग आपका 26 मिनट होता है, तो 3 घंटे 26 मिनट लगेंगे कितने बजे के बाद, 10 बजे के बाद, तो वो टाइम, वो समय, वो घड़ी क्या होगी, 1 बज के 26 मिनट जब दोनों ट्रेन मीट कर रही होगी। और दिखाऊं सवाल, इस पे एक सवाल और बनता है बच्चों, बनता है बिल्कुल बनता है, और करते हैं मिलके। ये लो ये वाला क्वेश्चन ले लो आप, ये वाला सवाल लिख लो, थोड़ा सा चेंज है, बिल्कुल वैसा ही नहीं है, ध्यान से पढ़ना, थोड़ा सा फर्क है, ठीक है, ये थोड़ा सा फर्क डाला है मैंने, है आता भी है क्वेश्चंस पे, पढ़ लो एक बार। करूं क्वेश्चन वही करना है, देखो क्या कहा है उसने, सबसे पहले ये बताओ चलती कितने बजे है पहली ट्रेन। सर जयपुर से जो ट्रेन चलती है वो चलती है 10 बजे, बिल्कुल सही बात है, 10 बजे चलती है जयपुर से, और दिल्ली पहुंचती है ये 3 बजे, तो कितने घंटे की जर्नी होगी इसकी, सर 5 घंटे की, 5 घंटे की हो गई, 5 घंटे लिख दो पहला स्टेप, देखो फटाफट करेंगे है ना, दिल्ली से चलती है 11 बजे, दिल्ली से 11 बजे सर पहुंचती कितने बजे है, 6 बजे सर, 6 बजे पहुंचती है, तो कितने घंटे की जर्नी होगी बच्चों, 11 बजे चल के 6 बजे पहुंचेगी, तो 7 घंटे की जर्नी होगी, या 7 घंटे लिख दो। अब डिस्टेंस मानना है, डिस्टेंस क्या लोगे आप, डिस्टेंस लेंगे सर एलसीएम, एलसीएम किसका, 5 और 7 का, जितने घंटे पहली वाली ने लिया दूसरे ने लिया, दोनों का एलसीएम ले लो, 35 किलोमीटर का डिस्टेंस है, सही है। अब मैं सीधा सीधा कर देता सवाल बेटा, लेकिन यहाँ पे एक चीज है, अब सुनो पहले ध्यान से, अब दोनों ट्रेन सेम टाइम पे नहीं चली है, सेम टाइम पे चली होती तो अलग बात थी, अब पहले वाली ट्रेन थोड़ा जल्दी चल गई ना, ये 11 बजे चली है, ये 10 बजे चली है, ये 1 घंटा पहले चली है, 1 घंटे में, अच्छा स्पीड निकाल लो, ये 35 किलोमीटर 5 घंटे में चलती है, तो स्पीड हो जाएगी 35/5 7 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे वाले की स्पीड हो जाएगी 35/7 5 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जो पहले वाली ट्रेन है वो 10 बजे निकल गई है, 1 घंटा पहले निकल गई है इस वाली से, तो 1 घंटे में ये कितना किलोमीटर चलेगी, आप कहेंगे सर 1 घंटे ये 7 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, तो 1 घंटे में पहले ये 7 किलोमीटर चल चुकी होगी। अब बेटा ये वाली स्पीड जो है ना, ये वाली जो जयपुर से चली है वो 7 किलोमीटर पर आवर वाली ट्रेन, वो यहाँ पहुंच चुकी होगी, 11 बज चुके के है, वो यहाँ पहुंच चुकी होगी, समझ रहे हो तुम, अब टाइम सेम है, दोनों का टाइम तो सेम बनाओ ना, ये कॉन्सेप्ट तो लगा सकते हो, लेकिन दोनों का पहले टाइम तो सेम बनाओ, पिछले वाले सवाल में दोनों ही 10 बजे निकली थी, अब ये 10 बजे निकली है 11 बजे निकली है, तो इसका भी 11 बजाओ, अब 7 किलोमीटर का डिस्टेंस हो चुका है 35 में से, तो बचा कितना डिस्टेंस, आप कहेंगे सर बचा डिस्टेंस अब 28, अब लगाओ बेटा रिलेटिव स्पीड का डिस्टेंस कॉन्सेप्ट, तो क्या कॉन्सेप्ट था, कितने टाइम बाद दोनों मीट करेंगे, 11 बज चुके हैं अभी, 28 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और रिलेटिव स्पीड क्या होगी, ये 7 से चल रहा है, ये 5 से, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो 7+5 तो 28/12 बोले तो 14/6 बोले तो 7/3 सही है, 7/3 मतलब कि ये कितना हो गया 2/1/3 आवर्स, अब 2 घंटे तो लगेंगे इसमें तो कोई नहीं रोक सकता, 1/3 आवर्स का मतलब है इंटू 60 कर दो, तो बच्चों 20 मिनट और लगेंगे, अब बता सकते हो मुझे वो टाइम, वो समय, वो घड़ी जब मिलन होगा दोनों ट्रेन का एक दूसरे को क्रॉस करती हुई जाएंगी, वो टाइम, वो समय, वो घड़ी क्या होगी, 11 तो बज चुके थे सर, 2 घंटे 20 मिनट हो लगेंगे, तो 1 बज के 20 मिनट वो टाइम, वो समय, वो घड़ी एग्जैक्ट 1 बज के 20 मिनट होगा बेटा, जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही होंगी,
जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही होंगी। आपको ये समझ में आया क्वेश्चन? नहीं आया? आ गया होगा बेटा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे एक्चुअली ये 10 बजे, देखो दोबारा बता देता हूँ, ये 10 बजे निकली थी तो पहले इसके भी 11 बजाओ, तो 1 घंटे में ये 7 किलोमीटर चलती है, तो 7 किलोमीटर का डिस्टेंस तो हो चुका, 35 का टोटल था, तो 28 किलोमीटर का ही तो डिस्टेंस बचा था। और दोनों ट्रेन जो है अपोजिट डायरेक्शन से चल रही है, तो एक की स्पीड है 7 की, दूसरे की है 5 की। तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगा दिया, टाइम निकाल लिया हमने, और वो टाइम जिस टाइम पे दोनों ट्रेन क्रॉस करेंगी वो आ गया। और दिखाऊं एक और क्वेश्चन इस पे, मतलब आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। एक क्वेश्चन इसी पे दूंगा मैं होमवर्क पे भी, आपको अभी देने वाला हूँ, बस एक क्वेश्चन और करवा लेता हूँ इसका, एक क्वेश्चन और हो जाए बेटा, नहीं तो ऐसा लगेगा कि मतलब बिल्कुल आ जाएगा। मतलब अब तो मैं चाहता हूँ पोज करके आप निकालो, पोज करके निकालो, ये लो ये वाला सवाल, बिल्कुल कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो मैं ऐसे ही करवा रहा हूँ बेटा। ये सारे क्वेश्चन आते हैं और बच्चे छोड़ के आते हैं या गलत करके आते हैं, अपने पास दोनों ऑप्शन नहीं है। देखो क्या है क्वेश्चन, ए ट्रेन लीव्स दिल्ली एट 6 AM एंड रीच आगरा एट 10 AM। दिल्ली से चलती है 6 बजे, दिल्ली से चलती है 6 बजे, है ना, 6 बजे चलती है, सुबह के 6 बजे, और आगरा पहुंचती है 10 बजे। कितने घंटे की जर्नी होगी इसकी बताओ? इसकी जर्नी होगी सर 4 घंटे की, 4 घंटे लिख दो। यहां से बच्चों आगरा से चलती है एक ट्रेन कितने बजे सर? 8 बजे, 8 बजे देखो दिया हुआ है, 8 बजे, और कितने बजे पहुंचती है? 1 बजे। इसकी कितने घंटे की जर्नी होगी सर? 5 घंटे की, ये लिख दो 5 घंटे। दोनों का एलसीएम लो फटाफट से, अब टाइम थोड़ी लगाएंगे, एलसीएम लो 4 और 5 का, कितना आया 20 सर, तो उतने किलोमीटर का डिस्टेंस मान लो, यही कहा था मैंने। अब स्पीड निकाल लो, ये 20 किलोमीटर 4 घंटे में चलती है, तो 20/4 इसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर की। दूसरे वाले की स्पीड हो जाएगी बेटा 20/5, दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर की। अच्छा दोनों क्या सेम टाइम पे चली है? नहीं नहीं सर, दोनों सेम टाइम पे नहीं चली बेटा। दिल्ली वाली कितने बजे चली है? 6 बजे। ये आगरा वाली कितने बजे चली? 8 बजे। ये कितने घंटे पहले निकल गई? 2 घंटे पहले सर। 1 घंटे में कितना डिस्टेंस चलती है? ये 10/5 सर, तो 2 घंटे में पहले कितना डिस्टेंस चलेगी ये सर? 10/5 × 2 डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम, तो 10 किलोमीटर तो ये 2 घंटे में पहले ही चल चुकी होगी। अब देखो 8 बज चुके हैं और ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अभी भी चल रही है, समझ गए ना, वैसे ही करना है बिल्कुल। अब 10 किलोमीटर का डिस्टेंस हो चुका है, बचा कितना? बचा सर 10 किलोमीटर। अब लगाओ रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये 5 की स्पीड से चल रही है, 4 की स्पीड से, तो दोनों मिलके करेंगे ना 10 बचा हुआ, तो कितना टाइम और लगेगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड क्या होगी? 5+4, क्यों? क्योंकि बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो 10/9 आवर्स, मतलब कि 1 घंटा 1/9 आवर, 1/9 × 60 कर दो, लगभग लगभग 6 मिनट है ये, है ना, काटो 6 ही मिनट आएगा लगभग, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 6 मिनट मानो, तो 1 घंटा 6 मिनट, मतलब कि वो टाइम, वो समय, वो घड़ी जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही होंगी वो क्या होगी? 8 तो बज चुके थे, उसके बाद 1 घंटा 6 मिनट और लेंगे, तो 9:06 बच्चों, 9:06 पे दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही होंगी, मतलब सी कैलकटा, और यही इस सवाल का सही आंसर है, यही इस सवाल का सही आंसर है। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों को समझ में आया अच्छे से ये कॉन्सेप्ट। अभी रिलेटिव स्पीड स्टार्ट ही किया, बट बच्चों रिलेटिव स्पीड पे और भी सवाल बनते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेन्स, एक अलग से कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेन्स, एक तो ट्रेन्स के क्वेश्चन ये वाले हैं जो हमने अभी किए, एक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेन्स में अलग टाइप के सवाल आते हैं जबरदस्त, जिसको हम अगले वीडियो में करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया, और होमवर्क का टाइम है बच्चों, ये होमवर्क है आपके लिए, तो सबमिट करें आप सवाल, कम से कम 100 कमेंट चाहिए मुझे, 100 लोगों के कमेंट चाहिए इसके आंसर्स, ठीक है, टाइम भी बता सकते हो, कोशिश किया करो पूरा समझा के लिखो, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना आपको वीडियो कैसा लगा विद होमवर्क। तो बच्चों फिर से मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है सब कुछ, तो चलो फिर से मिलेंगे इसी जोश इसी उमंग के साथ, बस ये होमवर्क आप सबमिट करो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय टू ऑल ऑफ यू।